नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा, एक नजर डालते हैं सुबह की हेडलाइंस पर। सिरमौर चौराहा की बदहाल हुई यातायात व्यवस्था, स्कूल छूटते ही भीषण जाम से जूझते हैं लोग। आधा दर्जन स्कूलों के पास नहीं है पार्किंग की व्यवस्था। यातायात थाना खुलने के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं हालात। जिले के सभी 3334 आंगनवाड़ियों को लिया गया गोद। कलेक्टर और SP पहुंचे आंगनवाड़ी केंद्र पहाड़िया। बच्चों को पोषण किट बांटे उपहार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी बधाई। PPE किट पहनकर कोरोना योद्धाओं ने सड़क पर किया प्रदर्शन। झाड़ू लगाकर मांगी भीख। सरकार के द्वारा हटाए जाने पर कहा, पहले फूल बरसा रहे थे और अब सुनने को नहीं है तैयार। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की बैठक भाजपा कार्यालय अटल कुंज में आयोजित। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह रहे। बैठक में 10 अप्रैल को प्रदेश नेतृत्व एवं संगठन के आह्वान पर रीवा में किसान सम्मेलन तथा 18 अप्रैल को किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी के रीवा संभाग पर सभा को लेकर हुई बैठक। गोविंदगढ़ तालाब के पास लूट के बाद मुनीम की हुई हत्या के 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों से उपयुक्त की गई बाइक और चाकू बरामद। सिमरिया थाना क्षेत्र के बबनी दाढ़ी टोला में फिर हुई आगजनी की घटना। आज से 3 घर जलकर हुए खाक। घर गृहस्थी का सामान जलकर हुआ नष्ट। क्षति का आकलन करने पहुंचे राजस्व विभाग के कर्मचारी। जीप के टक्कर से बाइक सवार की मौत। हत्या का आरोप लगा परिजनों ने किया चक्का जाम। गोविंदगढ़ थाने के शिवपुरवा गांव निवासी राम सुखेंद्र कुशवाहा की हुई मौत। और क्षेत्रीय विभिन्न समस्याओं को लेकर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में जवा ब्लॉक मुख्यालय का घेराव। SDF देवथल को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जनता की मांगों को लेकर कांग्रेस सैकड़ों लोगों ने दी गिरफ्तारी। घड़ा फोड़ कर जताया विरोध। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने देवतालाब कॉलेज पहुंचकर मार्ग CC रोड का किया भूमि पूजन। 99,67,000 की लागत से बनाई जाएगी सड़क। और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, देवतालाब की जनता ने मुझे विकास की जिम्मेदारी सौंपी है, नहीं होगी कोई कमी। राजनिवास रेप कांड में बाबा का एक और सहयोगी गिरफ्तार। सिविल लाइन पुलिस ने की कार्रवाई। घटना में आरोपी की थी अहम भूमिका। पकड़ा गया आरोपी मोनू मिश्रा। घटना के समय राजनिवास में था मौजूद। और शाहरुख खान के साथ दीपू गुप्ता ने की मारपीट। पुरानी रंजिश के चलते हुआ विवाद। कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया की घटना। दुकानदार के साथ गाली गलौज करते हुए युवकों ने की मारपीट तोड़फोड़। चुराटा थाना क्षेत्र के निवासी जय सिंह की दुकान में घुसकर विकास सिंह निवासी खड्डा ने की मारपीट और तोड़फोड़। पुलिस जांच में जुटी। बिछिया थाना क्षेत्र से 2 किशोरियों का अपहरण। परिजनों ने गांव के ही 2 युवकों पर की शंका। थाना क्षेत्र के सिलपरी और मलैया टोला शिलपरा से किशोरियों का हुआ अपहरण। संदेही रामानुज कुशवाहा और अब्बू कुशवाहा की तलाश में जुटी पुलिस। महेश विश्वकर्मा निवासी मानपुर थाना मनगवा ने अज्ञात कारणों के चलते लगाई फांसी। युवक ने घर में उठाया आत्मघाती कदम। पुलिस जांच में जुटी। भ्रष्टाचारी पंचायत सचिव एवं सरपंच के खिलाफ अमानत में खयानत का दर्ज हुआ मामला। ग्राम पंचायत बराव एवं काड़ा सचिव पुष्पेंद्र सिंह और सरपंच अनीता साकेत साथ ही सरपंच उषा पटेल के खिलाफ हुई कार्रवाई। जनपद पंचायत अधिकारी हनमना की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। और घर में घुसे बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराया। चारखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्रा देवी शुक्ला के घर हुई चोरी की वारदात। बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर सहित नकदी के साथ ही लाखों का सामान किया चोरी। और जनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेत में लगे मोटर पंप चुरा ले गए बदमाश। मऊली निवासी शिव प्रसाद पांडे और रामरतन पांडे के खेत में हुई चोरी की वारदात। दोनों की ही शिकायत पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सट्टा पर्ची काटते हुए सटोरिया हुआ गिरफ्तार। अमैया पुलिस ने 17,370 रुपए नकदी और सट्टा पर्ची की जब्त। आरोपी निजामुद्दीन अंसारी उर्फ लालू अंसारी निवासी बड़ी दरगाह के खिलाफ सट्टा एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज किया मामला। मनगवा नेशनल हाईवे में हृदय विदारक घटना। सड़क में छत विच्छत मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मृतक की नहीं हो पा रही है शनाख्त। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।